कटहल की सब्जी के लिए मैंने लिया है लौंग, काली मिर्च, इलायची, तेजपत्ता और सूखी मिर्च। सब्जी को अच्छे से उसको हटा दिया है मैंने। मैंने इतने सारे कटहल मिला के बनाऊंगी। मैंने थोड़े से अदरक, लहसुन, प्याज काट लिया है, दो टमाटर ले लिया है। अभी दाल को मैं धो के, और दोस्तों इस तरह से आप अगर मसूर, इसके लिए मैंने कढ़ाई ले ली है, थोड़ी सी जीरा, तेज पत्ता, तीन चार तेज पत्ता, अदरक, प्याज, लहसुन, मैंने ये कच्चे कटहल लिए हैं। मसूर के दाल के साथ ये अच्छे से पक जाएंगे, क्योंकि मसूर के दाल को होने में भी टाइम लगेगा, तब तक कटहल भी इसके साथ पक जाएगी। तो अभी हम इसमें डालेंगे मसाले। ये है जीरा पाउडर, थोड़ी सी धनिया पाउडर एक चम्मच, डेढ़ चम्मच, एक चम्मच हल्दी और थोड़ी सी हल्दी। ये है थोड़ा तीखा बनेगा और इसमें कलर आने का है। और ये है गरम मसाला, साथ ही मैं गरम मसाला भी दूंगी। देखिए बस इतने सारे मसाले लगेंगे। और जब होने का अब इसमें थोड़ा सा हम मीट मसाला भी ऐड करेंगे। ये रहा मीट मसाला मेरा, तो थोड़ी सी बस मीट मसाला देंगे, बस थोड़ी सी टेस्ट बढ़ाने के लिए। इसके साथ आप थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि मसाला, टमाटर सब अच्छे से भून जाए। बस थोड़ी सी आप टमाटर पक गई है, इसमें हम डालेंगे अभी कटहल। कटहल अच्छे से मिला लेते हैं इसको, इसे 5-7 मिनट ऐसे ही भूनेंगे। भूनने के बाद इसमें डालेंगे मसूर की दाल, और जब सब्जी हो जाएगी तब हम डालेंगे जो मैंने रखा है लौंग, इलायची और क्या बोलते हैं उसको, काली मिर्च, ये सब इसमें डालेंगे। इसको हिलाते रहिएगा, नहीं तो नीचे ये बैठ जाएगा और जल जाएगा। ऐसे हिलाते रहिएगा 5-7 मिनट तक या फिर 10 मिनट तक ऐसे हिलाते रहिएगा। अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। तो पहले से थोड़ा नमक डाले हुए हैं, तो आप डालेंगे डेढ़ चम्मच। अभी थोड़ी देर के लिए इसे ढक देते हैं। अभी हम डालेंगे इसमें दाल। और कटहल भी नहीं पका है तो इतने पानी में हो जाएगा। इसमें चावल बन रहा है दोस्तों, क्योंकि आज मैं रोटी, चावल और लौंग, इलायची जितनी भी चीज़ें थी उन सबको मैंने दरदरा अभी कूट लिया है। इस चावल रेडी हो गई दोस्तों। दाल जब तक बनती है तब तक मैं परवल को छोटी छोटी करके भुजिया के हिसाब से काट लेती हूँ। मिर्च और खाओ। हमारे घर के बाहर के नज़ारे ये रखे थे, उसको दे देते हैं। कभी कभार रोटी खाती हूँ, लाल मिर्च का पाउडर, कलर पाउडर, परवल की भुजिया। सही खाना बनके तैयार, कटहल की दाल।
तो दोस्तों मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।